जनपद लखनऊ में शराब की दुकानें खुलते ही भारी भीड़ लगने लगी। समय से पहले ही लोग खड़े लाइनों में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि समय से पहले लाइन लगाकर दुकान खुलने का इंतजार लोग काफी देर से कर रहे थे। वहीं बहुत दिनों बाद कोई बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लगी हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश से शराब की दुकानों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब की दुकानें खोलने का निर्णय साबित हो सकता है, इस तरीके से शराब की दुकानें खोलने का निर्णय घातक साबित हो सकता है, क्योंकि COVID-19 नामक महामारी लगातार हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रही है और इसके मरीज लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में खुलने वाली शराब की दुकानें COVID-19 नामक महामारी में घातक साबित हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड के सर्वे के अनुसार शराब पीने वाले लोगों को कोरोना संक्रमित होने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि शराब पीने के बाद इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और ज्यादा शराब पीने वाले संक्रमित मरीज के ठीक होने में लगता है बहुत ज्यादा समय। इसके साथ ही आपको बता दें कि शराब बिक्री के आदेश निर्गत होने पर आबकारी आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में कहीं भी ओवर रेटिंग होने पर कार्रवाई की जाएगी और आबकारी अधिकारियों को टेस्ट परचेजिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं, यानी कि उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी और सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचने के निर्देश दिए गए हैं। तो बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी में जिलाधिकारी ने शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। बढ़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। दिल्ली में भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शराब की दुकान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालातों के सुधरने के बाद उनको खोलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि दिल्ली के सभी DSP को निर्देश दिया गया है कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं। रिपोर्ट एज मीडिया।